हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की दो कलर की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन और रेड कलर के साटन का रिबन का यूज़ किया है। इस ड्रेस में बनाने के लिए हम टिश्यू रिबन की और साटन के रिबन की इस तरह की पत्तियाँ बनाते हैं, जिससे हम इसे चारों तरफ से बनाते हैं। इसे पीछे से मैंने 7 इंच का घेरा लिया है और सेंटर में से मैंने इसे 1 इंच के राउंड काटा है, जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। इस ड्रेस को बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलो मैं अब इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम 7 इंच का ये टैट्रोन का राउंड पीस लेते हैं, जिसे सेंटर में से मैंने 1 इंच का राउंड का निशान लगा रखा है, जिसे हम काट लेते हैं जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। इस टैट्रोन के पीस के ऊपर मैं ये रेड कलर का साठन का कपड़ा फेविकोल से पेस्ट करती हूँ। पीछे की तरफ कोई भी सिंपल कपड़ा मैं पेस्ट कर लेती हूँ, तो मैं अब इसे पेस्ट कर लेती हूँ। अब इस टैट्रोन के पीस के ऊपर मैंने ये रेड कलर का साठन का कपड़ा पेस्ट कर लिया है। पीछे की तरफ मैंने सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया है और इसके चारों तरफ मैंने एक सिलाई लगा ली। अब ये हमारा साठन का कपड़ा होता है, इसके चारों तरफ इस तरह के धागे निकल जाते हैं, जिसे हम इस तरह से सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह से सिक्योर कर लेती हूँ, इस तरह हम इसे पूरे को कर लेते हैं। अभी ये हमारा घेरा तैयार हो गया। अब इस तरह का हम एक टिश्यू रिबन लेते हैं, एक रेड कलर का रिबन लेते हैं। ये रिबन 1 इंची का है, 1 इंची का ये रिबन होता है। इस रिबन के हम 3-3 इंच की पट्टियाँ काट लेते हैं। ये मैंने 3 इंच की पट्टी काट ली। 3 इंच की पट्टी काटने के बाद इस रिबन को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, हाफ फोल्ड करते हैं और इस दूसरे वाले हिस्से को इसके ऊपर से इस तरह ले आते हैं, तो हमारी इस तरह की पत्ती बन जाती है। इस पत्ती को ऐसा बनाने के बाद हम इसको इस इधर से थोड़ा फोल्ड करते हैं, फिर इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ से हम इसे सिक्योर कर लेते हैं। इससे हमारी ये पत्ती बन जाती है। हम दूसरी पत्ती बनाते हैं, हाफ करते हैं इसे, पसे से आगे लेके आते हैं, इसको हाफ फोल्ड करते हुए इस तरह लेते हैं। इस तरह हमारी पत्ती बन जाती है। इस तरह हम ये पत्तियाँ बना लेते हैं। अब जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है, उस तरफ से हम ये पत्तियाँ लगाना शुरू करते हैं। इस तरह लगाते हुए हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सेकेंड रो लगाते हैं। सेकेंड रो में रेड कलर की लगाते हैं।
पत्तियों को इस तरह ऊपर की तरफ से लगाते हैं, पीछे की तरफ से हमारे पत्ते इस तरह रहती हैं, ये हमारा ऊपर का हिस्सा रहता है। इस तरह लगाते हुए हम ये रेड कलर की सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वापस से हम अपने सिल्वर कलर की लगाते हैं, फिर रेड कलर की इस तरह करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने इसमें फोर रो कंप्लीट कर ली। दो रो तो हमने सिल्वर कलर के किए हैं और दो रेड कलर के किए, इस तरह चार रो इसमें कंप्लीट हो गई है। अब हमारा गिराई कंप्लीट हो गया है, अब हम चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो हमने सिल्वर कलर का रिबन लिया है वो लेती हूँ। इसकी मैं 9 इंच की एक पट्टी काट लेती हूँ। अब इस पट्टी के सेंटर में जो हमारा छोटे वाला रिबन आता है जो रेड कलर का, वो इसके ऊपर मैं सेंटर में चिपका लेती हूँ। अब ये रिबन मैंने इस पर चिपका लिया है। अब इसके हम दो पीस कर लेते हैं, सिर्फ दो पीस होने पे हमारी ये चोली के दोनों पीस तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें मैं अलग अलग लगाएंगे आज हम, क्योंकि हमारे ये और पोशाक के अंदर तो हम 1.25 इंच लेते हैं, ये हमारे 1 इंच का रिबन है, इसलिए हम आज इन्हें इस तरह अलग अलग लगाएंगे। इस तरह अलग अलग पट्टी करके अलग अलग लगाते हैं, दोनों तरफ में इसे अलग अलग ही कर देते हैं। पहले वाला खुला हुआ हिस्सा है, वहाँ से हम दोनों रिबन पहले चिपका लेते हैं। इधर हम पीछे से चिपका देते हैं दोनों को। इस तरह मैंने ये दोनों तरफ से अपनी चोली को चिपका लिया। अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। बनने के बाद कुछ हमारी ड्रेस इस तरह की बनती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।